आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को रात्रि 8 बजे नोटबंदी का घोषणा किया और 4 घंटे के बाद घोषणा लागू भी हो गया। इसमें 500 एवं 1000 के नोट को रद्द किया गया। इससे अर्थव्यवस्था में अफरा तफरी मच गई, लोगों के बैंक में पैसा निकालने के लिए बैंक में कतारें लग गई, एटीएम में खास करके, और बैंकों में जो जमा करने वाले थे लोग 500 1000 के नोट उनके भी कतार लग गई, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, कृषि व्यापार खत्म हो गया, लगभग असंगठित क्षेत्र में तबाही आ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। हमारे प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने और पीसी चिदम्बरम साहब ने सही कहा था कि इस नोटबंदी से भारत की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, 1.5% से 2% तक गिरावट आएगी जीडीपी में, बेरोजगारी बढ़ेगी, मंदी आएगी। यही हुआ, पूरा देश ने देखा। हम समझते हैं कांग्रेस जन कि इसके लिए प्रधानमंत्री जी को क्षमा मांगना चाहिए था, लेकिन संभवतः उनके डिक्शनरी में क्षमा शब्द है ही नहीं, इसलिए उन्होंने न क्षमा मांगा न ही बाद के वर्षों में इसको एहसास किया, इसके कुप्रभाव को एहसास किया। इसका प्रभाव आज भी चल रहा है, नोटबंदी का आज भी लोग इससे दिक्कतें उठा रहे हैं। हम कांग्रेस जन झारखंड की इसको आज अभिशाप दिवस के रूप में मना रहे हैं, विश्वासघात दिवस के रूप में मना रहे हैं, और अपने सभी साथियों को, झारखंड के सभी साथियों से अपील करते हैं कि नोटबंदी के कुप्रभाव को वे गांव-गांव जाकर के बताएं और प्रधानमंत्री जी की इस नीति का भर्त्सना करें।